क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। चाइना की तरफ से जो बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर पाबंदी, 8,50,000 बिटकॉइन उन्होंने क्लेम किया था जी चोरी हो गई, तमाम के तमाम कॉइन्स डिक्लाइन कर रहे हैं। जिसके पास बिटकॉइन है अगली बात तो घर बार का सिल्वर बेच के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो 24/7 मार्केट चलती है, 5 बजे स्टॉक की तरह बंद नहीं होती। डिजिटल करेंसी है ये कितनी रिलायबल है, पाकिस्तानी हुकूमत को अपना मेटावर्स का प्रोजेक्ट निकालना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। आपको याद होगा कि इसी साल जुलाई के अंदर एक मेजर सेटबैक था क्रिप्टो करेंसी को, जिसमें तमाम के तमाम कॉइन्स डिक्लाइन कर रहे थे। उस वक्त ये कहा गया कि मैनिपुलेशन है मार्केट के अंदर। आपको याद होगा कि उस वक्त जो है वो एलॉन मस्क इसके पीछे बताए जा रहे थे। फिर चाइना की तरफ से जो बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर पाबंदी, इसकी एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा था। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो क्रिप्टो की दुनिया के अंदर साल का दूसरा बड़ा मेजर सेटबैक, दूसरा बड़ा ब्लो, दूसरा बड़ा झटका दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त तमाम के तमाम कॉइन्स डिक्लाइन कर रहे हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओवर लास्ट 24 आवर्स बिटकॉइन 1% के नोज डेव के अंदर दिखाई दे रहा है। 0.9% जो है वो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नॉक ऑफ हुई है। इसका मतलब यह है कि $2.36 trillion सीधे के सीधे, यानी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है इस वक्त वो तकरीबन $82 billion का दिखाई दे रहा है, जबकि जो लॉस हो रहा है वो $2.36 trillion, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। बहुत सारे ऐसे न्यू ट्रेडर्स जो क्रिप्टो करेंसी का ख्वाब देख कर आए थे और रातों रात अमीर होने का ख्वाब देख कर आए थे, उनके तो सपने चूर हो गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, वो क्रिप्टो से मुतालिक बहुत सारे स्टेटमेंट्स दाग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करने की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं। और कुछ लोग नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट को क्रिप्टो करेंसी को संभाला देने के मुतरादिफ भी करार दे रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि इथेरियम कॉइन, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉइन, वो भी तकरीबन 1% लो दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो बिनांस कॉइन है वो भी नीचे दिखाई दे रहा है। सोलाना, जितने कॉइन्स हैं इस वक्त सबके सब रेड फ्लैग दिखाई दे रहे हैं, नोज डेव पोजीशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो रीसेंट फ्राइडे था उसको रेड फ्राइडे के तौर पर भी रिकग्नाइज किया गया है। इस वक्त वकार जका साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इससे पेशतर के मैं वकार जका साहब की तरफ जाऊं, मैं वैसे तो नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत नजर आ जाऊंगा, खुद रोशनी हूँ, चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान है, काम कर रहे हैं एज अ क्रिप्टो एक्सपर्ट विद सेंट्रल बैंक और उसके साथ जो एक फेडरल कमेटी है इसकी रेगुलेशन से मुतालिक बनाई गई है, उसमें भी अपना इनपुट दे रहे हैं, बड़ी जाफिशानी से काम कर रहे हैं। और वेन एवर इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी तो वकार जका साहब इज देयर। अस्सलाम वालेकुम वकार जका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। वकार जका साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो न्यूली अराइव्ड जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो इस वक्त रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो आई थिंक दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ सेविंग्स सिंस लास्ट वीक। आपका एक 12 नवंबर का एक प्रेडिक्शन था, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन ये जो मेरे दोस्त बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, क्या इनके लिए कोई उम्मीद है अभी? जी उम्मीद है, और मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए $25,000-26,000 से बिटकॉइन शुरू हुआ था December 2020, और अब जो है वो क्रिसमस का भी टाइम है, छुट्टियों का टाइम है, इसीलिए 12 नवंबर को हमने एक वीडियो पोस्ट की थी कि लोग कैश आउट करना शुरू करेंगे दुनिया भर में छुट्टियों की वजह से, प्रॉफिट बाहर निकालेंगे। दूसरी चीज एक और बड़ी है, मैं एक ETF टेक्निकल एक और चीज थी, US में इसका ETF आ रहा था, मतलब जो लोग नहीं खरीद सकते बिटकॉइन, जो एक्सचेंजेस पे नहीं जा सकते या टेक्निकली नहीं हो सकते, तो ETF का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ एक कॉल करेंगे तो उनके लिए आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ बिटकॉइन खरीद सकते थे, तो वो ETF नहीं आया, एक तो उसकी वजह से लोग पीछे हट गए। दूसरी चीज ये है कि जापान का एक बहुत मशहूर एक्सचेंज था 2014 में, जिसमें मेरे भी ठीक ठाक पैसा जो है गया था, MTGOX नाम था उसका, MTGOX मैट गॉक्स के नाम से लोग जानते हैं, पहली बार बिटकॉइन भी मैंने वहीं से कैश आउट किया था, तो वो हैक हो गया था और 8,50,000 बिटकॉइन उन्होंने क्लेम किया था जी चोरी हो गए, जो बाद में पता चला वो झूठ बोल रहे हैं, तो उसके चला इंटरनल उनका कर था, अब वो बिटकॉइन वापस कर रहे हैं कुछ लोगों को, 2 लाख के करीब तकरीबन है, अब वो जो बिटकॉइन इतने अरसे से लोगों के वापस कर रहे हैं तो वो ब्लॉकचेन पे भी देखा जा सकता है कि वो लोग बेच रहे हैं तो यार हमें इतना प्रॉफिट तो हो ही रहा है, तो ये जो सेल ऑफ हो रहा है ये 41,000-42,000 से बिटकॉइन नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में नीचे जा रहा है,
और इसीलिए जा रहे हैं लोग बेच रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मैं इसको बहुत आगे तक जाते देख रहा हूँ। जिसके बाद भी बिटकॉइन है, पहली बात तो घर बार का जेवर बेच के इसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक गोल्ड ट्रेडिंग का रूल भी होता है, 1% लगाइए वो पैसा जिसका जाने का गम ना हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, एक तरफ जैसे गोल्ड रख के भूल जाते हैं ना, रख के छोड़ दो, भूल जाओ, वरना कल तो रोगे कि यार हमने एकदम क्यों कैश आउट कर लिया। देखिए वकार साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि अर्ली दिस ईयर जिसने इन्वेस्टमेंट की थी शायद वो तो बहुत बेहतर रहे हैं, वो तो अभी शायद प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन जिन्होंने लेटर दिस ईयर जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो लोग रो रहे हैं। देखिए एज वी स्पीक मंडे को भी ये डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्राइडे से शुरू हुआ था जिसको हमने ब्लैक फ्राइडे या रेड फ्राइडे के तौर पर देखा। इस वक्त जो ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बिटकॉइन की वो बहुत नीचे है, तकरीबन 0.9% के ऊपर दिखाई दे रही है, और 2.36 ट्रिलियन डॉलर्स का एक जो गैप है वो बना है। तो ये कहिएगा कि अभी जो है इस वक्त, क्योंकि आप बड़े अच्छे मशवरे माजी में भी देते रहे कैश आउट से मुतालिक भी, अभी क्या करने की जरूरत है? क्या वो लोग जो खसारे में है वो भी निकल आए या इंतजार करें? अच्छा देखिए, इसके लिए ना हमने एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस बनाया है। जितने लोग भी अभी अभी आए हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। हमने क्या किया है कि पूरे पाकिस्तानी मार्केट को जज करने के बाद हमें अंदाजा हो गया कि लोगों को ना ऐसे बताया गया तो नहीं समझ आता। हमने अपने फेसबुक पे लाइव ट्रेडिंग का एक सिस्टम शुरू किया है। जैसे आप है, आप कहते हैं मुझे क्रिप्टो का नहीं पता, मैं आज लॉस हूँ, वकार जगह मैं क्या करूं? तो देखिए आपने सिर्फ ये करना है, $150 लेकर अपनी जेब में, हमें नहीं देने, आपने जो मैं अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज पे बता रहा हूँ रात को 10 और 11 बजे, ये कॉइन खरीदो ये बेचो, जो छोटे छोटे कॉइन है उनको खरीद के आप थोड़ी थोड़ी रिकवरी करना शुरू करें। लेकिन लाइव सेशन में क्रिप्टो 24/7 मार्केट चलती है, 5 बजे स्टॉक की तरह बंद नहीं होती, तो खुदा के वास्ते कहीं भी लिखा हुआ कोई सिग्नल देखते हैं, कोई टिप दे रहा होता है तो वो नहीं सुनना आपने। लाइव फेसबुक के सेशन फॉलो करें, आपकी रिकवरी हो जाएगी। और मैं रिक्वेस्ट फिर करूंगा, बिटकॉइन गोल्ड की तरह है, अगर सोने की कीमत गिरती है तो क्या आप सोना जाके फॉरन भेज देते हैं? नहीं ना, आप रखते हैं कि यार गोल्ड है, उसी तरह इस पे आपको बिलीव रखे। मेरे ख्याल से कि बिटकॉइन लॉन्ग रन में आपको बहुत फायदा देगा, लेकिन हाँ जो अभी ताजा ताजा लोग आए होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। और इंटरनेट की दुनिया में कहीं भी पैसा चला जाए, ना FIA वापस आ सकता है, ना FBI वापस आ सकता है, तो ये जरूर देखिए जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, क्या वो एडवार वाला बंदा है भी के लिए। अच्छा वकार साहब, बड़ा सादा सा सवाल है, ये डिजिटल करेंसी है ये कितनी रिलायबल है? क्योंकि अब कुछ लोग इसको रेकन कर रहे हैं एज ए यूजलेस मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गिवन कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और उसके साथ बहुत डिलेज आ जाते हैं इसकी एक्सचेंज से मुतालिक, तो ये कितनी रिलायबल हो सकती है? और फिर आपके बारे में तो ये ना कि आप तो कहा करते थे कि मुल्क का कर्जा उतर सकता है इस करेंसी से, तो जब ये सब कुछ होगा, इतनी मैनिपुलेशन होगी, इतनी अनसर्टेनिटी होगी, तो फिर मुल्क के कर्जे कैसे उतारेंगे? मिस्टर तो वो तो मैंने 12 नवंबर को कहा था ना, 5,000 का जब था बिटकॉइन, तब कोविड में मैंने कहा इसमें इन्वेस्ट करके आज 12 नवंबर को जब 62,000 का था निकाल ले, कैश आउट कर दे। किसी भी मार्केट में आप हमेशा के लिए तो नहीं आते, आपको निकलना भी होता है। अब आप सोचने का हयात इसी में रहेंगे तो गलत बात है। दूसरी चीज मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान अगर अपना क्रिप्टो एक्सचेंज, अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल ले, तो जो है वो इसका पूरा कर्जा वगैरह उतारने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। एक और चीज अहम ये है, जो आपने कहा ना डिजिटल करेंसी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा माजरत के साथ। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में जमीन आसमान का फर्क है। डिजिटल करेंसी होती है सेंट्रल बैंक की, क्रिप्टो करेंसी होती है डिसेंट्रलाइज। तो बार दफा न्यूज में भी हमारे हजरात इसको डिजिटल करेंसी बोल रहे होते हैं, तो डिजिटल करेंसी जो होती है वो तो किसी सेंट्रल अथॉरिटी की होती है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मेटावर्स अब एक अगली दुनिया जो आ रही है, जिसपे फेसबुक भी जा रहा है, जिसपे हमने भी काम शुरू किया है। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपके शो के थ्रू, मैं एज अ मेटावर्स लवर, एज अ मेटावर्स एक्सपर्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान की जमीनें, पाकिस्तान के इस वक्त जितनी भी जगहें हैं वो इंटरनेट की दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज बेच रही हैं। इस वक्त IT इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जागना चाहिए, उनको बार बार मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी हुकूमत को अपना मेटावर्स का प्रोजेक्ट निकालना चाहिए, वरना इस वक्त आपके घर की जमीन, कोई शॉपिंग मॉल की जमीन, कोई डहरिया टाउन, कोई ये टाउन, कोई वो टाउन, इंटरनेट की दुनिया में किसी थर्ड पार्टी ने लॉन्च किया हुआ है और वो पैसे लेते जा रहे हैं और पाकिस्तान में इसका उन्हें पता ही नहीं है। तो इंटरनेट की दुनिया में अगर आज इमरान खान साहब कह दें कि हम अपना मेटावर्स का एक टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं, अपनी मेटावर्स की एनवायरनमेंट निकाल रहे हैं, तो मैं बना के देता हूं, हम लोग आपको बना के देते हैं, तो वो मेटावर्स की वजह से जो जमीनें पाकिस्तान में बिक्री हैं वो लैंड बेच के पाकिस्तान इतना पैसा कमा सकता है। तो मेरे लिहाज से इस वक्त मेटावर्स की दुनिया में क्रिप्टो से ज्यादा अहम है कि फौरन हुकूमत पाकिस्तान को मेरी खिदमात नहीं तो
इन्हीं सोच विचार करके इसमें आ जाना चाहिए। अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल आप वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर जो लोगों की मीटअप्स हैं, आप किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं लेकिन दुनिया में किसी भी इंटरनेट के थ्रू किसी भी जगह पर आप मुलाकात कर सकते हैं अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, और फिर दिस इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। मैं चाहूंगा थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिए कि मेटावर्स है क्या। हम फेसबुक का नाम तो बदलता हुआ देख रहे हैं और मेटा के नाम से, ये एक्चुअली क्या है और कैसे दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने जा रही है? जी, स्नो पॉल के नाम से बुक थी बहुत अच्छे पहले 1984 में, वहां मेटावर्स का पहली दफा ये लफ्ज लाया गया। मेटावर्स का मतलब होता है बियॉन्ड यूनिवर्स। अच्छा, इसकी हकीकत ऐसे समझिए कि जैसे हमारी जो रूह है, हम अपनी रूह को खुश करने के लिए हर काम कर रहे होते हैं। जो स्नैपचैट पर फिल्टर लगाते हैं या अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से जिस्म मिला हुआ है, इसके अलावा हमारी जो रूह है जिसे आप कहते हैं कि हम अपने अपने कल्प को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये दोनों को समझ आ गई बात कि हाँ, रूह की खुशी के लिए इंसान काम करता है। तो इस रूह की खुशी के लिए अब इंटरनेट की दुनिया में एनवायरनमेंट बनाई जा रही है जिसे वेब 3.0 कहते हैं। मैं और अभी आप आमने सामने बैठे हुए नहीं है। वर्चुअल रियलिटी में तो ये होता है कि हम एक दूसरे को सिर्फ जो है देख सकते हैं या मिल सकते हैं, लेकिन मेटावर्स में ये होगा कि मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा तो मुझे फील आएगी कि मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ। ये वो चीज है जिसके लिए इस वक्त जैसे रोलेक्स घड़ियां खरीदते हैं ना, इस वक्त मेटावर्स की दुनिया में लोग जमीनें खरीद रहे हैं, जिसको पाकिस्तान में लोग कहेंगे अरे भाई पागल हो गए क्या, इतने 1 करोड़ की जमीन ले रहे, नजर कहां आ रही है। तो इस वक्त मेटावर्स की दुनिया वो है जो फेसबुक की नहीं है। फेसबुक ने तो एक मार्केटिंग टेक्निक यूज की है कि मैं जल्दी से अपना नाम मेटा कर दूं ताकि सब लोग सोचे थे मेटा इनकी क्रिएशन, इनकी क्रिएशन नहीं है। फॉर्टनाइट, पबजी, बहुत सारी वीडियो गेम्स हैं जो ऑलरेडी इस तरह चल रही थी, लेकिन मेटावर्स की खास बात ये होगी, जो मुल्क सबसे पहले इसमें आ जाएगा अपनी मेटावर्स एनवायरमेंट, यानी पाकिस्तान का मेटावर्स वर्जन अगर लॉन्च कर देगा तो सारी दुनिया का पैसा वहां आने लग जाएगा। यही बात समझने की जरूरत है कि हमारी रूह जो है उसकी खुशी के लिए आपको जाता है मैं बिल्ली बनना चाहता हूँ, मैं कुछ और इंसान बन के मैं ड्रेसिंग कुछ और करना चाहता हूँ। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते लेकिन बात करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे मेटावर्स की दुनिया में हम जा रहे होंगे, वहां जाने से फायदा ये होगा कि हमारी रूह जिस तरह हमें खुशी चाहती है, हर वक्त हम चेंज चाहती है, उस चेंज को भी हम अडॉप्ट कर रहे होंगे। इंट्रोवर्ट रहते हुए शक्ल दिखाए बगैर अपने एवाटार के थ्रू दूसरों के साथ जो है बात भी कर रहे होंगे, बिजनेस डील भी कर रहे होंगे। अब दुनिया भर में इंटरव्यू पर तेरे नादरा के ऑफिस जाना है, वो नादरा वेरीफाई करना चाहता है तो मेटावर्स की दुनिया में घर बैठे बैठे वो मुझे वेरीफाई कर सकता है, मेरे थंब इंप्रेशन से हर चीज वो वेरीफाई कर सकता है। तो मेटावर्स इस वक्त इंटरनेट की एक नेक्स्ट स्टेज है, और आई होप कि हमारे यहाँ जो है कुछ मौलाना आजरा खुलने के बाद फतवे ना लगा दे, तो मुस्लिम वर्ल्ड में मुसलमानों को मेटावर्स में सबसे पहले आना चाहिए, इसमें नहीं पीछे रहना चाहिए। इस वक्त वही दौर है जो इंटरनेट का शुरू में था। इंटरनेट का शुरू में ये दौर था कि 1997 में अगर आप इंटरनेट में इन्वेस्ट करते तो कहां से कहां पहुंच जाते। आज मेटावर्स की दुनिया को अगर आप समझ जाएंगे, जो हम अपने ग्रुप्स में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते सारे काम छोड़ के मेटावर्स क्रिएट कैसे होता है, इसके अंदर कपड़े कैसे बनते हैं, इसके अंदर न्यूज कैसे चलेगी, इसके अंदर जर्नलिस्ट कैसे बात करेंगे, इसको सीखना शुरू करें, क्योंकि अगली दुनिया इसकी है और अगर नहीं समझेंगे इसे तो फिर पीछे रहेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूज डेवलपमेंट जी। वकार जगह साहब, लास्टली मुझे बताइएगा कि आपने $5,000 इन्वेस्ट किए एक बंदर की तस्वीर पे और $2,000 कमा लिए, ये क्या है? मतलब ये $5,000 के साथ $2,00,000, हाउ इज इट पॉसिबल? जी, ये नॉन फंजिबल टोकन है और जुलाई के अंदर मेरा टीम मेंबर है एडम जो न्यूयॉर्क में होता है जो पैनअप का सारा कुछ देखता है, उसने उसके पास मेरे 4 इथेरियम पड़े हुए थे। मैंने कहा यार मुझे 4 इथेरियम को मैसेज भेजो क्योंकि गैस फीस की बहुत हाई होती है। मैंने कहा काम करो, गोल्ड एक जो है एक तस्वीर है यार वो मेरे लिए खरीद दो। वो कहने लगा भाई क्यों खरीदू मैं ये तो बिल्कुल। मैंने कहा ले लो यार, मैं रिस्क पे करूं, अब बिल्कुल तुम लगा दो बस पैसे। मुझे यकीन ये था कि जितने डिजिटल आर्टिस्ट हैं उनका जो आर्ट वर्क है जब वो आएगा इससे, तो क्रिप्टो की दुनिया में अब देखें जिसके पास क्रिप्टो ज्यादा होती है ना, वो शो मारने के लिए जैसे हम रोलेक्स घड़ी देते हैं या बड़ी गाड़ियां लेते हैं, अब लोग डिजिटल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो मुझे ये लगता था कि ये बोल्ड रेट बहुत ज्यादा चल जाएगा, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इसके पीछे कोई मेरी लॉजिक नहीं थी, कोई साइंस नहीं थी, बस ऐसी ले लिया और तुक्का लग गया। मैं ये इसमें कोई अपनी रॉकेट साइंस नहीं डालूंगा। तो नॉन फंजेबल टोकन में पैसे लगा के कैसे जमाने हैं, मेटावर्स में कैसे जमाने हैं, सब पाकिस्तान में जरूरत है कि हर स्कूल में इसको पढ़ाया जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ इमरान खान साहब, मुझे पीटीवी पे आने दीजिए, पीटीवी पे 2 ट्रक के पहिए आगे पीछे की जगह, फसलों की जगह मुझे मेटावर्स पढ़ाने दीजिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल टीवी पे आके पढ़ना चाहता हूँ। सुधारा कौन को इस तरफ आने दे, घर बैठ के इनकी जॉब लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वकार जगह साहब आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। हमारे साथ चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान और क्रिप्टो एक्सपर्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वकार जका साहब मौजूद थे। यू आर वॉचिंग iCost 2021 के दीगर मॉड्यूल्स भी जारी हैं जनाब। अभी कुछ ही देर में आप एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देख रहे होंगे। मुझे फिल वक्त के लिए रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।